हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। स्पोर्ट्स तक के पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब मैंने कहा हार्दिक शुभकामनाएं तो मुझे याद आए हार्दिक पंड्या, क्योंकि हार्दिक पंड्या जो हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हार्दिक पंड्या के साथ रोहित शर्मा भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और मुंबई इंडियंस भी ट्रेंडिंग में चल रही है। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर वो कुछ ना कुछ ये कह सकते हैं कि गलत वजहों से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आपको पता है कि भाई मुकाबला जो रहा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, जो ऑलरेडी बहुत एक बड़ा मुकाबला था, सबकी नजरें थी उस पर, उसमें मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं चोक किया है। और चोक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 36 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, 7 विकेटें बची हुई थी, डिवाल ब्रेविस और तिलक वर्मा क्रीज पर थे, हार्दिक पंड्या ने आना था, टिम डेविड ने आना था। ऐसे में मुंबई इंडियंस मैच हार गई और उस मैच में आखिरी ओवर में उनको 19 रन चाहिए थे, हार्दिक पंड्या क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन वो भी आउट होते हैं, बड़े एनिमेटेड गुस्से में बाहर जाते हैं। और उसके बाद मैच के बाद जब ऑब्वियसली सेरेमनी वगैरह होती है तो तब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं हार्दिक पंड्या का चेहरा इसमें, रोहित शर्मा भी, इनके बीच में थोड़ा जो बातचीत होती है बड़े एनिमेटेड नजर आते हैं, कहीं ना कहीं डिस्कशन मैच का ही था। तो इस पूरी बातचीत में क्या कुछ हुआ, और साथ ही साथ ये लोग जो मैं कह रहा हूं, जिनका मैंने नाम लिया कि रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, मुंबई इंडियंस में जो ट्रेंड हो रहे थे, ये कैसे आईपीएल का मैच एक डेली सोप बन गया और वहां पर सभी दर्शक जो हैं अपनी अलग अलग एक कहानी लिख रहे थे। लेकिन यहां पर ऑब्वियसली जो डिस्कशन आप पीछे देख रहे हैं, ये जो डिस्कशन रहा यहां पर, यही लग रहा था कि हम ये मैच हार कैसे गए। और लोगों ने बड़ी तमाम अलग अलग बातें कही और बातें करी कि हार्दिक और रोहित वो कैसे, किस तरीके से एक साथ अब खेलेंगे, हार्दिक की कप्तानी में रोहित शर्मा कैसे खेलेंगे। तो लगातार जो चीजें हुई, सबसे पहले यहां पर बताते कि हुआ क्या। हार्दिक पंड्या आते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देखेंगे, और पीछे से आकर रोहित शर्मा को हग कर लेते हैं। वो रोहित शर्मा को हग करते हैं तो फिर रोहित शर्मा पीछे मुड़ते हैं, उसके बाद वो हार्दिक की तरफ देखते हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, वो हग करते हैं। और इसी दौरान वहां पर ओनर जो है राशिद खान भी दिख रहे हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर हार्दिक और रोहित का जो डिस्कशन है वो शुरू होता है। वो डिस्कशन जब शुरू होता है तो बातचीत जब शुरू होती है तो दोनों बड़े एनिमेटेड नजर आते हैं। और अगर आप जब आगे जाएंगे तस्वीरों में, तो जैसे ये तस्वीर देख रहे हैं आप, वहां पर हार्दिक थोड़े परेशान ऑब्वियसली लग रहे हैं, और रोहित लगता है कि अपने तजुर्बे से, जो कप्तानी का भी उनका एक्सपीरियंस है, उससे कुछ चीजें कन्वे कर रहे थे कि भाई क्या कुछ हम डिफरेंटली कर सकते थे, क्या कुछ हो सकता था। क्योंकि इस मुकाबले में सवाल इसलिए थे कि भाई ऐसी पोजीशन से मुंबई हार कैसे गया और हार्दिक पंड्या इतने नीचे क्यों रहे। शायद उनके लिए काफी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि टिम डेविड की जगह हार्दिक पंड्या को जाना चाहिए था, बट हार्दिक पंड्या को पहले ही क्रीज पर होना था, शायद जब वो तिलक वर्मा को भेजा गया, क्योंकि हार्दिक पंड्या ने ऐसी सिचुएशन में बड़े आराम से गुजरात टाइटंस को भी बड़े सारे मुकाबले जितवाए हैं। तो डिस्कशन रहा, कुछ कुछ पॉइंट्स पर आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा के चेहरे पर भी आपको एक निराशा सी दिख रही है, हार्दिक पंड्या का जब आप क्लोजअप देख रहे हैं तो उनमें भी एक अलग सी निराशा दिख रही है। तो बड़ा एनिमेटेड ये डिस्कशन रहा, इसको आप बहस के तौर पर मत लीजिए कि आपस में वो बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पर जो फैंस, जो मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो लोग अलग अलग तस्वीर एक पेंट कर रहे हैं वो जरूर, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिविटी जो है हमेशा ज्यादा चलती है। पर जो हम कह रहे हैं भाई, आज होली का दिन है, दिल मिलाने का दिन है, तो यहां पर एक जो फॉर्मर कैप्टन है और एक जो करंट कैप्टन है, रोहित शर्मा हार्दिक पंड्या को सीख दे रहे थे कि भले आपने कप्तानी करी, बड़ी जबरदस्त करी है गुजरात की तरफ से, लेकिन यहां पर कुछ अहम फैसले आपको लेने पड़ेंगे। और शायद अगर मैनेजमेंट ने वो आपको रोका कि आपको रुकना चाहिए, तो वहां पर आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था। तो ये पूरा आपने देखा डिस्कशन किस तरीके से हुआ। लेकिन अब पूरे मैच में क्यों ये ट्रेंड होते रहे, एक तो आपको बता दें कि अहमदाबाद के क्राउड ने हार्दिक पंड्या को बू किया वहां पर। केविन पीटरसन तक ने कमेंट में पूछा कि क्या आखिरी बारी कब ऐसा होता कि भारतीय खिलाड़ी को भारतीय क्राउड ने ही बू किया। तो ये शुरुआत टॉस से ही हो गई थी, टॉस पर जब दोनों कप्तान थे क्रीज पर और हमने देखा कि बू किया गया, तो जो लोग मैच मैदान में नहीं देख रहे थे उन्होंने कहा जी माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे नेगेटिविटी। बट देन आपने मैच के दौरान भी देखा कि जब फील्डिंग कर रहे थे हार्दिक पंड्या, जब उनके पास गेंद गई, उन्होंने स्लाइड्स करके वो गेंद रोक रहे थे, तो उस टाइम तो साफ टीवी पर भी सुनाई दिया। और हमने ये चीज मैदान में जो लोग उपलब्ध थे, जो लोग वहां पर मैच देख रहे थे, उनसे पूछा कि भाई क्या ये वाकई में हुआ था। तो हार्दिक पांड्या को बू किया वहां पर, अहमदाबाद का जो क्राउड था उन्होंने बू किया उनको, थ्रू आउट वो चलता रहा, उनके डिसमिसल, उनके आने पर जाने पर हर एक जगह चलता रहा। फिर जो एक विजुअल जो बहुत चर्चा का विषय रहा वो था जब हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन पर भेजा, इसको भी थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से दिखाएगा। ऑब्वियसली रोहित शर्मा का ये विजुअल वो रहा कि मैं, मतलब ऐसा लगा कि हैरानगी से रोहित शर्मा कह रहे कि आप मुझे कह रहे हैं। वो शायद हैरानगी इसलिए भी थी क्योंकि रोहित शर्मा को आपने आउटफील्ड में फील्डिंग करते हुए कम देखा है, हार्दिक पंड्या उनको जाकर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने को कहते हैं और फिर उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि इधर से उधर। कमेंटेटर्स भी थोड़ा मजाक कर रहे थे कि भाई कि रोहित शर्मा को अब पता होना चाहिए कि हार्दिक कप्तान है, तो वो जहां पर फील्ड प्लेसमेंट करेंगे वहां पर लेंगे। तो इस पर भी एक चर्चा रही यहां पर किस तरीके से। फिर एक विजुअल और था जहां पर रोहित, हार्दिक और बुमराह, आपको पता है कि बुमराह और सूर्य कुमार यादव को लेकर भी बड़ी चर्चा रही है कि भाई क्या वो खुश हैं,
और कितने खुश हैं, किस तरीके से माहौल है। तो एक डिस्कशन करके जैसे ही हार्दिक जाते हैं तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी बातचीत करते हैं, तो लोग जैसे मैंने बोला कि डेली सोप बना ही चुके थे इसको और अलग अलग अपना अपना इंटरप्रिटेशन वहां पर दे रहे थे। तो लोग कह रहे थे कि भाई यहां पर देखिए बुमराह, रोहित आकर बुमराह से कुछ कहते हैं तो बुमराह बताने के ये तो जी मुझे इन्होंने ऐसा बोल दिया कि ऐसा करना है तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये भी एक लम्हा रहा, एक मौका रहा। अब जो है अगली तस्वीर पर पहुंचते हैं जो कि बहुत ज्यादा दिलचस्प रहा, जो हम पूरा बताने की सिनेरियो आपको समझा रहे हैं क्या कुछ मैच के दौरान रहा। तो अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जहां पर ये आप देखिए मैच खत्म हो चुका था, मैच हार गए थे और एक तरफ दो ये विजुअल थे बड़े इंटरेस्टिंग। एक तरफ रोहित शर्मा डिसअपॉइंटेड थे, परेशान थे और उनके साथ आप देख सकते हैं कि तिलक वर्मा भी मौजूद हैं, जसप्रीत बुमराह भी आपको सामने दिख रहे हैं और एक डिस्कशन हो रहा है हार के बाद जहां पर हार की निराशा और थोड़े हताश चेहरे आपको दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या जो थे वो शुभमन गिल के साथ वहां पर थे मैच के बाद, वो गले भी लगे जो कि अच्छी चीज है, और ईशान किशन भी वहां पर थे। तो दो विजुअल एक साथ चल रहे थे, एक तरफ एक कैंप यहां पर बैठा हुआ था और एक वहां पर आपको दिख रहा था कि हार्दिक ईशान शुभमन से बातें कर रहे थे। तो यहां पर भी लोगों ने अलग अलग तस्वीर जोड़कर बताया कि भाई किस तरीके से हार्दिक ईशान साथ में ट्रेन भी कर रहे थे, रोहित शर्मा ऑब्वियसली बुमराह वहां पर थे, तिलक वर्मा वहां पर थे, तो इन चीजों पर भी बात हुई। अब बढ़ते हैं जी अगली तस्वीर पर और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस मुकाबले में और चीजें रही सारी की सारी, जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भाई ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। जैसे आप ये देख रहे हैं आखिर में मामला जो है वो खत्म जहां पर होता है वो ये तस्वीर थी मैच के बाद, जो आपने देखा कि हार्दिक पांड्या आकर गले लगते हैं रोहित शर्मा से और फिर बड़ा एनिमेटेड एक डिस्कशन होता है। तो आप लोग बताइए, क्योंकि सब ने इसको इस तरीके से ज्यादा प्रोजेक्ट किया कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, हार्दिक ने रोहित को ऐसे कैसे बोल दिया, भाई कप्तान है तो फील्ड तो लगाएंगे ही, लेकिन आई थिंक ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या जरूर एज कैप्टन कह सकते हैं, एज बैटर एज फिनिशर उस मुकाबले को जीतने में थोड़े नाकामयाब रहे, लेकिन आई डोंट थिंक इतना ज्यादा यहां पर है। और मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह इन सब लोगों का फोकस एक ही चीज पर है, वो है कि ट्रॉफी जीतनी है। तो ये एक पूरी की पूरी हमने आपको बताई मैच के बाद क्या कुछ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, काफी लोगों ने मिस भी किया। तो इस तरीके से मैच के बाद जो है अब दोनों कप्तान वहां पर दिखे और आई होप जो रोहित ने अगर जो लेसन दिए होंगे हार्दिक को उनको आगे वो एग्जीक्यूट करेंगे कप्तानी में, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस को आगे जाना है, रोहित द बैटर भी निराश होंगे, उनकी विकेट गलत टाइम पर गई और फिर वो पूरा का पूरा हमने देखा कि चौक एक तरीके से हुआ, लेकिन रोहित की विद द बैट शुरुआत अच्छी रही है। हार्दिक पांड्या को भी यही चाहिए कि रोहित शर्मा अच्छे रन्स बनाएं और इसी तरीके से उनको गाइड करें, असिस्ट करें जब उनको जरूरत पड़े फील्ड पर। तो ये पूरा का पूरा मामला था मुंबई इंडियंस का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगा इस मामले पर, अपनी राय जरूर दर्ज करें। अभी हम इजाजत लेते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स तक को और हैप्पी होली, और होली जो है आप आराम से प्यार से मनाइएगा, शाम को आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।